हमने कल चैप्टर डिस्कस किया था, तुम कब जाओगे अतिथि। आई होप किसी को उसमें डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे। टर्न वाइज आज मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोगों से। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। एवरीवन मींस हर कोई। टर्न ऑन योर वीडियोज। आई एम ऑल्सो हेयर विद माई वीडियो ऑन। आर्यन फर्स्ट क्वेश्चन, अतिथि कितने दिनों तक लेखक के घर पर रहा है? 4 दिनों तक। क्या हम ऐसे आंसर लिखेंगे 4 दिनों तक? आंसर खत्म। नहीं मैम, कैसे आंसर लिखेंगे? अतिथि 4 दिनों तक लेखक अतिथि मैम फुल 4 दिनों 4 दिनों तक लेखक के घर रहा। घर। अपरन, तुम कब जाओगे अतिथि? पाठ के लेखक का क्या नाम है? कौन है तुम लेखक? कब जाओगे? अतिथि के पाठ पाठ के लेखक का नाम शरद जोशी है। शरद जोशी। लेखक का नाम शरद जोशी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको लेखक का नाम आना चाहिए। लेखक का नाम शरद जोशी। अर्शप्रीत, यस मैम। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से उससे गले लगाया और पत्नी ने सादर नमस्ते की। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं। अर्शप्रीत, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं। ओके मैम। आपका क्वेश्चन है, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही ओके मैम, कैलेंडर के तरीके अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं, मानो वे भी अतिथि को बता रही थी कि तुम्हें यहाँ आए 4 दिन हो चुके हैं। हैं? ओके गुड। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता पूर्वक फड़फड़ा रही है, मानो वे उससे पूछ रही हो कि अतिथि तुम कब जाओगे। ईवा, यस मैम। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तीसरे दिन सुबह अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने को कहा। ओके। उसने कहा था कि मुझे धोबी के पास ले जाओ, कपड़े धुलवाने हैं। मैम यस, उसने कहा था कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। ओके। उसने कहा था कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। यस रिधिमा। मैम वो कह रहा था कि लॉन्ड्री पे कपड़े देना चाहता है, मुझे लॉन्ड्री का बता दो। नहीं, मैम उसे लॉन्ड्री लिखा। ईवा ने ठीक आंसर दिया है रिधिमा। मैम पर लॉन्ड्री भी लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़िए, पेज नंबर 37 निकालिए। मैम यस, मेरे पास है बुक। हाँ जी। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े दे देना चाहता हूँ, ठीक है? उसके नीचे आओ, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मैम यस, लॉन्ड्री। हाँ, तो ये लेखक ने कहा था कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। ओके। गगनदीप, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? गगनदीप अनम्यूट योर सेल्फ। गगनदीप आप क्लास में हैं? ओके। मेहर, मेहर यस मैम। आंसर दीजिए बेटा। यस मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ?
मैम ये वाला नहीं आता। क्यों हमने चैप्टर रिवाइज नहीं किया बेटे? ओके रिवाइज कीजिए चैप्टर में है। ओके यस रुद्र। सरकार की उष्मा समाप्त होने पे लेखक उच्च खाने से खिचड़ी पर आ गया। अगर तिथि थोड़े दिनों बाद भी नहीं जाता तो उसे उपवास करना पड़ सकता था। ओके कोई और बताएगा? कोई और इसका आंसर बताएगा? यस योग। युग बताइए आंसर। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम आवाज आ रही? हाँ जी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर जो उच्च मध्यम वर्ग का डिनर था वो खिचड़ी में रूपांतरित हो गया। और कहीं और से देख के नहीं बोलना, कहीं से देख के नहीं बोलना। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ मैम, कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। अपने अपने वर्ड्स में ठीक है। और जो बातों की गेंद और हंसी के ठहाके ठहाके लेखक के घर में गूंजते थे अब वो बंद हो गए। वार्तालाप की गेंद सभी कोनलों से ठप्पे खाकर सेंटर में आ खड़ी हो गई। ओके गुड गुड। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाने पर उत्साह और प्रसन्नता खत्म हो गए थे। लेखक में उत्साह नहीं रहा था। अब वह उस अतिथि का सत्कार नहीं कर पा रहा था। उसका उत्साह खत्म हो गया था। जो बातें वह उसके साथ कर चुका था, कई विषयों पर उसके साथ बातें हो चुकी थी, अब बात करने को भी कुछ भी नहीं बचा था। और लेखक के मन में अतिथि को गेट आउट तक कह देने की भावना आ रही थी। क्लियर? आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं, राइट? यस पनिका। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? यस मैम, लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। रात के भोजन को एकाएक कुछ मध्यम वर्ग के डिनर में अतिथि के सम्मान में उन्होंने बदल दिया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में लेखक के मन में एक आशा थी। वह यह मन में यह आशा थी कि अब दूसरे ही दिन अतिथि जाने के लिए कह देगा। वह उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाएगा और औपचारिकता के लिए वह अतिथि को कुछ दिनों के लिए ठहरने के लिए कहेगा। लेकिन अतिथि नहीं रुकेगा और उनकी एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लिए चला जाएगा। ओके सत्कार की ऊष्मा सॉरी लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था? लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि अपने मन पर मेहमान नवाजी की अच्छी छाप लेकर वहां से जाए। वह उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाए और उसे कहे कि कुछ दिन और ठहरे। लेकिन अतिथि वहां ना रुके और अच्छी यादों के साथ वहां से चला जाए। क्लियर क्लियर? ओके यस लीजा। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? यस मैम, तीसरे दिन जब मेहमान आना चाहता है
है ये अप्रयाशित था, उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की भावना खत्म हो रही थी और तिरस्कार पैदा हो रहा था। वह चाहने लगा कि अतिथि इस समय उसका घर छोड़कर चला जाए। ओके तीसरे दिन जब अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है तो यह आघात अप्रत्याशित था। उसकी इस बात के कारण दोनों के बीच सौहार्द जो था वो बोरियत में बदल गया था या अपनापन बोरियत में बदल गया था और लेखक की भावनाएं अच्छी भावनाएं गालियों में बदलने लगी थी। जब तीसरे दिन अतिथि ने कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है तो यह आघात अप्रत्याशित था और लेखक और अतिथि के बीच जो अपनापन था वह बोरियत में बदल गया था और लेखक के मन की अच्छी भावनाएं गालियों में बदलने लगी थी। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके लेखक अच्छा आतिथ्य है, एक नया शब्द यूज कर रही हूं, आतिथ्य एक शब्द है, आतिथ्य। आतिथ्य का मतलब होता है आदर सत्कार करना, मेहमान नवाजी करना। आतिथ्य का मतलब होता है जो मेहमान नवाजी करता है। ओके ठीक है, लेखक एक अच्छा आतिथ्य है। पाठ के आधार पर सिद्ध करें, लेखक एक अच्छा आतिथ्य है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। कौन बताएगा इसका आंसर? रेज योर हैंड्स। ओके यस आर्यन, एक अच्छा अतिथि है, हमें इस बात से पता चला कि उसने बिना बुलाए एक असभ्य अतिथि को अपने घर 4 दिन तक रखा, उसकी बहुत मेहमान नवाजी की और उसे उच्च मध्यम वर्ग की का डिनर खिलाया और उसे सिनेमा भी दिखाया। उसने उसने अतिथि की गरिमा रखी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आपने एक शब्द यूज करा कि असभ्य अतिथि, आपको क्यों लगा कि उसका अतिथि असभ्य था? आर्यन क्योंकि मैम वो सिगरेट की धुआं फेंक का धुआं घर में फेंक रहा था। वेरी गुड, क्योंकि अतिथि लेखक के घर में सिगरेट पी रहा था, जिससे पता चलता है कि अतिथि असभ्य था। ठीक है, लेखक एक अच्छा आतिथ्य था, ये इस बात से पता चलता है कि उसने बिन बुलाए मेहमान की खूब खातिरदारी की थी, उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। जब अतिथि उसके घर में 4 दिन तक बना रहा, चाहे लेखक के मन में उसके प्रति अब अच्छी भावनाएं नहीं रही थी, तब भी उसने अपने भाव उसके सामने प्रकट नहीं किए, बल्कि उसने उसे उच्च मध्यम वर्ग का डिनर और लंच करवाया था, उसे सिनेमा भी दिखाया था। तीसरे दिन अप्रत्याशित आघात लगने पर भी उसने लॉन्ड्री से उसके कपड़े धुलवाए थे। क्लियर? हां जी कीर्तिमा। मैम प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कर दो, ये जो आपने अभी दो वर्ड्स की मीनिंग बताए। क्या रिपीट करूं बेटा? कौन सा मीनिंग जो आतिथ्य और अतिथ्य? ओके ओके, आतिथ्य आतिथ्य का मतलब होता है, आतिथ्य
जब हमारे घर में कोई आता है तो हम उसकी जो मेहमान नवाजी करते हैं, हम उसकी जो आव भगत करते हैं उसे कहते हैं अतिथि। और जो व्यक्ति मेहमान नवाजी करता है, जो होस्ट होता है, होस्ट को कहते हैं अतिथि। कीर्तिमा, आपके घर अगर कोई मेहमान आ जाते हैं और आप उनकी आव भगत करते हैं, अच्छा खिलाना खिलाते हैं, तो आप आतिथ्य हैं, ठीक है? और आपने उनकी जो आव भगत की वो होता है आतिथ्य। क्लियर? यस मैम। क्लियर बेटा? यस मैम। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रिद्धिका। रिद्धिका, यस मैम। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, आशय स्पष्ट करें। लोग दूसरे की होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, इसका ये अर्थ है कि जैसे इस पाठ में बिन बुलाए अतिथि के घर पे एक बिन बुलाया मेहमान आ जाता है और उसके स्वीट होम की स्वीटनेस को काटने को दौड़ता है, ऐसे ही सारे लोगों को दूसरों के घर पर रहना पसंद है, इससे हमें दूसरों के घर के भेद भी पता चलते हैं और ऐसे किसी के घर पे रहने से हमारे मन में उस इंसान के विरुद्ध भावनाएं आती हैं, बुरी भावनाएं आती हैं। ओके मैम, प्लीज रिपीट। उसके प्रति बुरी भावनाएं आती हैं, उसके प्रति बुरी भावनाएं आती हैं, इसीलिए हमें किसी के भी घर जाना चाहिए, जाना चाहिए और ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, स्वीटनेस को खत्म नहीं करना चाहिए। यस मैम। यस अपरन। यस मैम, लोगों को अपने घरों की और दूसरों के घरों की स्वीटनेस को बनाए रखना चाहिए। इस पार्ट में जब अतिथि लेखक के घर आया और उसे आए हुए 4 दिन से भी अधिक समय हो गया था और वह अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वह लेखक के घर की शांति भंग कर रहा था, मेजबान की पीड़ा का कारण बन गया था और मेहमान नवाजी का फायदा उठाने लगा था, जिससे अतिथि का ठहरना लेखक को बुरा लगने लगा था। इसलिए इस पाठ में हम उन्होंने ये कहा है कि हमें एक अच्छा अतिथि बनना चाहिए और दूसरे के घर की स्वीटनेस को नहीं खत्म करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लोग दूसरे की होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, इसका अर्थ ये है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, एक अच्छे अतिथि बनकर जाना चाहिए। जैसे मेहमान अतिथि लेखक के घर पर 4 दिन तक रुका और जाने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे लेखक के घर की शांति भंग होने लगी थी, उसका बजट गड़बड़ा गया था या उसका बजट बिगड़ रहा था और अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस कारण लेखक के परिवार में परिवार का खुशनुमा माहौल खराब हो रहा था। हमें चाहिए कि हम किसी के परिवार के वातावरण को खराब ना करें और दूसरों के होम को स्वीट होम रहने दें। ओके, क्लियर? इस चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया या कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज आस्क। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई बात समझ में ना आई हो या कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। नो डाउट्स, एवरीथिंग इज क्लियर सबको? ओके गुड।
नेक्स्ट वीक आप लोगों का इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, ओके? तुम कब जाओगे अतिथि, इस चैप्टर का नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा। हाँ जी पनिका मैम, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है, कौन सा आघात सॉरी संबंधों का दौर से गुजरना। इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। दोबारा क्वेश्चन बोलो एक बार। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा, इज दिस द क्वेश्चन बेटा। वनिका प्लीज क्वेश्चन एक बार बता दीजिए मुझे। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और इसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। जब ओके युग आंसर देना चाहते हैं। हाँ जी युग बताइए बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही थी पहले, अब ठीक है बेटा। मैम मेरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, कौन बताएगा इसका आंसर। प्लीज रेज योर हैंड्स। अर्शप्रीत आप बताएंगी बेटा। यस मैम। हाँ जी, संबंधों के संक्रमण से गुजरने का आशय है कि संबंधों में बदलाव आ जाना। ओके। इस अवस्था में जैसे अतिथि जब 4 दिनों तक लेखक के घर से नहीं जा रहे थे तो उनके संबंधों में भी बदलाव आने लगा था, उनके बीच में बातें खत्म हो गई थी, उनकी भावनाएं, लेखक के मन में जो भावनाएं थी वो गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही थी। वह यह भी वह कह रहा था, लेखक मन में कह रहा था कि उन्होंने उच्च मध्यम वर्गीय डिनर को ये लिखने की जरूरत नहीं है अर्शप्रीत। जब आपने लिखा कि उसके मन की भावनाएं गालियों में बदल रही थी, वहां पे आप आंसर खत्म कर देंगे। ओके ओके। हाँ जी योग। बोलिए बेटा। मैम आंसर देना था वही वाले क्वेश्चन का। बताइए बेटा। इस पंक्ति का आशय है संबंधों में परिवर्तन आना, जो संबंध बेटा आपकी आवाज आनी बंद हो गई। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, दोबारा बोलिए प्लीज। मैम आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए, अब आ रही है। इस पंक्ति का आशय है संबंधों में परिवर्तन आना, जो संबंध आत्मीयता पूर्ण थे अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। ओके। इस पंक्ति का अर्थ है संबंधों में परिवर्तन आना, जो संबंध सौहार्द पूर्ण थे या जिन संबंधों में ऊष्मा थी, हमने ऊष्मा शब्द पढ़ा था ना, जिन संबंधों में ऊष्मा थी अब उन संबंधों में बोरियत आ गई थी, क्योंकि अतिथि कई दिनों से लेखक के घर में टिका हुआ था, वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था, जिस कारण अतिथि के प्रति लेखक के मन की भावनाएं बदल गई थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि अब ये संबंध संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। इज इट क्लियर पनिका। ओके ओके।